वर्सेन पूनिया, और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिग्नेचर वेरीफाइड कैसे किए जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर। तो आजकल आप देख रहे होंगे 31 जनवरी तक सभी गजेटेड ऑफिसर्स को अपना IPR, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न फाइल करना है, उसको ऑनलाइन भरना है। तो उसके अंदर जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं वहाँ पे आप देखिए नीचे यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ आता है वैलिडिटी अननोन, या लिखा हुआ आएगा सिग्नेचर नॉट वेरीफाइड। तो इसको किस तरीके से हम वेरीफाइड कर सकते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप जब ITR भर लें पूरा, तो आपको उसको डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद की ये प्रोसेस है। डाउनलोड यदि आप उसको नहीं करेंगे तो आप इसको वेरीफाई नहीं कर सकते हैं सिग्नेचर को, ये इसी तरीके से क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप उसको डाउनलोड कर लें, जो भी आपने IPR फाइल किया है उसको, और उसके बाद की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो आप उसमें क्या करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में वैलिडिटी अननोन जो लिखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का ऑप्शन आ जाएगा। सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप क्लिक कीजिए। उसके बाद में ये जो विंडो खुली है, ये जो ऑप्शंस आपके सामने आए हैं ऊपर देखिए, डिटेल्स, रिवोकेशन, ट्रस्ट पॉलिसीज, लीगल नोटिस, तो इसके अंदर से ट्रस्ट जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपको जाना है। ट्रस्ट ऑप्शन के ऊपर जाकर के नीचे एड टू ट्रस्टेड सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और एक बार इसको ओके कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, तो सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट जो अनचेक किया हुआ है इसको आपको चेक करना है, यहाँ से इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। इसको ओके करने के बाद में आपको यहाँ से फिर एक बार फिर से ओके कर देंगे, और फिर यहाँ पे देखिए वैलिडेट सिग्नेचर लिखा हुआ है, इसको आप ओके करिए। तो इसको ओके करके यहाँ पे क्लोज कर दीजिए, ये देखिए आपका सिग्नेचर है यहाँ पे, सिग्नेचर वैलिड ये हो गया। तो ये छोटी सी प्रोसेस थी जिससे आप सिग्नेचर को वेरीफाइड कर सकते हैं और अपना जो IPR है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न, वो एक अच्छे डॉक्यूमेंट के रूप में जमा करवा सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स।